कि आपने कहा कि मैं हिंदू हूँ, इसमें गलत क्या है? मुसलमान भी है, सिख भी है, जैन भी है। तीर्थ यात्राएं शुरू होगी दिल्ली में? हो चुकी है। हाँ, धन्यवाद। इंसान सबके लिए, सबका स्थान है, तो ये सबके लिए भेजते हैं। मैं मुसलमान भी है, सिख भी है, जैन भी है, तो क्या इन तमाम समाज के लोगों की भी तीर्थ यात्राएं शुरू होगी दिल्ली में? हो चुकी है। हाँ, धन्यवाद। केजरीवाल जी, आपने बहुत बातें की है ड्रग्स को लेके और कहा कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, लेकिन वर्तमान में जो दिल्ली में आप लगातार सत्ता में हैं, वहाँ दारू की दुकानों का नंबर इतना बढ़ गया है और आपके नई एक्साइज पॉलिसी में हर मोहल्ले में क्लिनिक जैसी यदि दारू की दुकानें खुलेंगी, तो क्या आपको लगता है कि दारू ये नशा में नहीं आता? एक मिनट पूछ लेते हैं। नहीं, क्यों, आप बहुत तीन तीन बार सत्ता में है तो एक हाथ सवाल और एक्स्ट्रा हो जाए। आपसे दोबारा चांस दूंगा, मैं भूल जाऊंगा क्वेश्चन। नहीं क्वेश्चन, अरे आप कहाँ भूलते हैं सर, आप इसके लिए तो जाने जाते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह मेमोरी रखती है। दूसरा सवाल ये था कि आपने कहा कि मैं हिंदू हूँ, इसमें गलत क्या है? यदि मैंने अयोध्या लोगों को भेजा तो अलग क्या है? आप दिल्ली के मुख्यमंत्री है, दिल्ली में मुसलमान भी है, सिख भी है, जैन भी है, तो क्या इन तमाम समाज के लोगों की भी तीर्थ यात्राएं शुरू होगी दिल्ली में? हो चुकी है। हाँ, धन्यवाद। तो पहला सवाल का जवाब, अजमेर शरीफ भेजते हैं, वेलंकनी चर्च भेजते हैं, अभी जा रही है ट्रेन वेलंकनी 10 मार्च के आसपास। जैनियों को कोई गोमटगिरी? जैन के लिए भी है, उसमें जैन के लिए भी है तीर्थ स्थान, सबके लिए, सबका स्थान है। करतारपुर साहब भी भेजते हैं, सबके लिए भेजते हैं। दारू वाला, आपने अपना प्रश्न शुरू किया कि दारू की दुकानें इतनी बढ़ गई हैं, कितनी हैं आज, पहले कितनी थी? हर मोहल्ले में दो नई दुकानें खुल रही हैं। एक मिनट, पहले पूरी दिल्ली में कितनी दुकानें थी, अब कितनी हैं? आप मुझे बताइए, आप मुख्यमंत्री हैं, बता दीजिए। नहीं, आप बताइए, क्योंकि पहले 750 एक्साइज पॉलिसी हर मोहल्ले में दो दुकानें बोल, पहले 750 दुकानें थी पूरी दिल्ली में, अब 746 हैं, चार दुकानें कम हुई हैं।